नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती का इंतजार करने वाले साथी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और वेटिंग वाले साथ में जरूर देखना, क्योंकि वेटिंग के लिए जो अपडेट हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है, स्टीक अपडेट, वो चाहे आपके लिए अच्छा हो, आज आपको बुरा लग सकता है, लेकिन भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगा वो अपडेट। ऐसी अपडेट आपको सिर्फ हमारा चैनल देता है। अब आपने सभी YouTube चैनलों पर देखा होगा, एक आंकड़ा वायरल कर रहे हैं या जो भी अपना अपना वीडियो बना रहे हैं कि इतने की 8700 ने ज्वाइनिंग कर लिया है, ऐसा है। वो आंकड़ा सबसे पहले साथियों आपके साथ किसके द्वारा शेयर किया गया था, जाकर वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, इसलिए अगर आप हरियाणा किसी भी भर्ती से रिलेटेड सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं एचएससी ग्रुप डी भर्ती की। आपको पहले ही बता दें, वेटिंग वाले साथियों को हमने बता दिया है कि जो 10,997 पदों की लिस्ट जारी हुई है उसमें 9,500 से 10,000 पदों तक कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग कर ली है, यानी कि वेटिंग 1,200 की वेटिंग लग सकती है। बाकी 2,600 कैंडिडेट बचे हुए हैं, टोटल मिलाकर 1,500 की अगर वेटिंग माने कि 1,500 की वेटिंग इसमें लग सकती है, तो वो साथी तो इंतजार कर सकते हैं। अब बात करें बचे हुए साथी क्या करें। हमने जब से उनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था तब से ही उनको कहते आ रहे कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी बीच में ना छोड़ें। लेकिन अब उनके लिए एक गुड न्यूज आई है, अपडेट मिला है साथियों। किसी हम ये नहीं कहते एचएसएससी से ये अपडेट नहीं मिला है, पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि सच्चाई से आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी है। किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के द्वारा ये बात कही गई है, क्योंकि सरकार के समक्ष भर्तियों से रिलेटेड जो भी युवाओं की नाराजगी है सारा कच्चा चिट्ठा पहुंच चुका है, और चुनावों के अंदर आपको पता है घर घर नेता जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा उनके पास अपडेट और कब मिल रहेगा। फिलहाल अपडेट पूरा आ चुका है, लेकिन सरकार इस समय किसी भी स्थिति में कुछ भी करने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि फिलहाल उनके पास टाइम नहीं है, चुनाव में सब बिजी हैं। लेकिन आपको बता दें 25 मई के बाद, ध्यान रखिएगा ये तारीख, 25 मई के बाद से पूरा ध्यान युवाओं की तरफ जाने वाला है बीजेपी सरकार का। आपको 25 मई के बाद सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हम आज ये बातें कह रहे हैं, पहले भी आप तक सबसे जो पहले अपडेट हमारे द्वारा ही पहुंचाया जाता है, तब आप सोचते हैं कि ऐसी तो कोई अभी सुनने में नहीं आ रहा, लेकिन जो आपको कहीं नहीं सुनाई दे वही बातें डिजिटल फ्री शिक्षा चैनल पर मिलती हैं। तो साथियों, नई भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब इसमें दो ऑप्शन है जो कंफर्म नहीं हुआ है। ग्रुप डी की नई भर्ती 100% होगी विधानसभा चुनाव से पहले। 8,000 से 10,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, 80 से 90% चांस है कि नए सीईटी से भर्ती होगी। सुन रहे होंगे आप, 80 से 90% चांस है कि यह भर्ती नए सीईटी से होगी, क्योंकि नया सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही होना है। और जो 10% चांस बचे हैं वो इन साथियों के लिए है, वेटिंग वालों के लिए। तभी हमने कहा था कि वेटिंग वाले साथी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 10% ही आपके चांस हैं वेटिंग लगने की। सच्चाई यह आपको फिलहाल कड़वी लग सकती है, क्योंकि आज मैं आपके समक्ष मीठी बात करके आपके पक्ष की बात करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो साथियों आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए 10% चांस है कि वेटिंग से, यानी कि इसी सीटी के माध्यम से वो 8,000 से 10,000 पद भरे जाएं। वो तब होगा जब नेक्स्ट सीटी नहीं होगा। वो एक आखिरी ऑप्शन रहेगा हरियाणा सरकार के पास, पहले ऑप्शन और कई होंगे साथियों, वो आप देखते जाना। 25 मई के बाद आपको सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। तो वेटिंग वाले साथियों के लिए ये हमारी तरफ से संदेश मान लीजिएगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, भविष्य में या इन नंबरों के आधार पर आप भर्ती का इंतजार ना करें। अगर इन नंबरों के आधार पर भर्ती होगी तो क्या आपकी तैयारी करने से कुछ नुकसान होने वाला है? आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखोगे तो आपको फायदा रहेगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपका और भी एग्जाम क्रैक हो जाए और ग्रुप डी भर्ती की आप तैयारी कर ही रहे। और अगर इसमें 10% जो हम बता रहे हैं उसमें अगर वेटिंग से भी या ईसीटी से भी 8,000 से 10,000 पदों की लिस्ट लगती है तो उसमें आपका नंबर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अगर अगला सीटी होगा तो फिर आप
असमंजस की स्थिति में या फिर परेशानी की स्थिति में नहीं जाओगे, पहले से आप प्रिपेयर रहोगे। तो यही पॉजिटिव वे में हमारा संदेश है, लगातार पॉजिटिव खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।